दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द फैक्ट जूबी। लाल किला, लाल किला न सिर्फ दिल्ली की शान है बल्कि पूरी भारत की शान है। 15 अगस्त 1947 में भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी मिलने के बाद देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली के लाल किले से पहली बार ध्वजारोहण कर देश की जनता को संबोधित किया था और अपने देश को अमन चैन शांति बनाए रखने एवं इसके अद्भुत विकास करने का संकल्प लिया था। इसीलिए लाल किले को जंगे आज़ादी का गवाह भी माना जाता है। वहीं तभी से हर साल यहां स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश के प्रधानमंत्री द्वारा लाल किले पर झंडा फहराए जाने की परंपरा है। लाल किले का निर्माण शाहजहां ने 1638 ईस्वी में करवाया था। इसे विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। इस किले को बनवाने के लिए शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा को दिल्ली के स्थानांतरित कर लिया था। यहां पर रहकर उन्होंने इस शानदार किले को दिल्ली के केंद्र के यमुना नदी के पास बनवाया था। ये यमुना नदी की तीन तरफ से घिरा हुआ है जिसके अद्भुत सौंदर्य और आकर्षक को देखते ही बनता है। इस किले का निर्माण 1638 से शुरू होकर 1648 ईस्वी तक चला। इसके निर्माण में करीब 10 साल का समय लगा। इस भव्य किले को बनवाने की वजह से भारत की राजधानी दिल्ली को शाहजहानाबाद कहा जाता था। साथ ही ये शाहजहां के शासनकाल की रचनात्मकता मिसाल माना जाता था। देश की आज़ादी के बाद भी इस किले का महत्व कम नहीं हुआ। इसका उपयोग भारतीय सैनिकों के परीक्षण में देने में होने लगा। साथ ही ये प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में मशहूर हुआ। वहीं इसके आकर्षक और भव्यता की वजह से इसे 2007 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था और आज इसकी खूबसूरती को देखने के लिए दुनिया के कोने कोने से लोग दिल्ली आते हैं। लाल किले का निर्माण लाल बलुआ पत्थर एवं सफ़ेद संगमरमर के पत्थरों से किया गया है। इस किले के निर्माण के समय इसमें कई बहुमूल्य रत्नों व सोने चांदी से सजाया गया था, लेकिन जब मुगलों का शासन खत्म हुआ और अंग्रेजों ने लाल किले पर कब्जा जमाया तो उन्होंने इसे किले के सभी बहुमूल्य रत्न और धातु निकाल ले गए। करीब 1.5 किलोमीटर की परिधि में फैले भारत के इस भव्य ऐतिहासिक स्मारक के चारों तरफ करीब 30 मीटर ऊंची पत्थर की दीवार बनी हुई है जिसमें मुगल कालीन वास्तुकला का इस्तेमाल कर बेहद सुंदर नक्काशी की गई है। शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा की जगह दिल्ली को बनवाने के लिए एक पुराने किले की जगह पर 1638 में लाल किले का निर्माण शुरू करवाया जो 1648 में पूरा हुआ। जब 1648 में लाल किले का उद्घाटन किया गया तब इसके मुख्य कमरों को कीमती पर्दों से सजाया गया। तुर्की के मखमल और चीन की रेशम से इसकी सजावट की गई। इसे बनाने में करीब 1 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। इस हिसाब से ये उस समय का सबसे महंगा किला था। 1 करोड़ रुपए में से आधी रकम इसके शानदार महलों को बनवाने में खर्च की गई थी। शाहजहां ने जन्नत की कल्पना करते हुए लाल किले के अंदर के कुछ भागों का निर्माण करवाया था जिसे अंग्रेजों ने जमींदोज कर दिया। भारतीय पुस्तक सर्वोच्च द्वारा खुदाई के दौरान लाल किले के असली तल का पता चला जो कि दिल्ली गेट के पास 3 फुट पर मिला है और नौबत खाने के पास इसकी गहराई 6 फुट तक है। लाल किले के 2 प्रवेश द्वार हैं, एक लाहौर गेट और दूसरा दिल्ली गेट। लाहौर गेट आम सैलानियों के लिए है और दिल्ली गेट सरकार के लिए है। लाल किला भी ताजमहल की तरह यमुना नदी के किनारे पर बना हुआ है। लाल किले को घेरने वाली खाई यमुना के जल से ही भरा जाता था। लाल किले को बनवाने के लिए लाल बालू पत्थर का प्रयोग किया गया जिसके कारण ही इसका नाम लाल किला पड़ा। लाल किले की दीवारों की लंबाई 2.5 किलोमीटर है। दीवारों की ऊंचाई यमुना नदी की ओर 18 मीटर जबकि शहर की ओर 33 मीटर है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी।